दिलजान जी, क्या स्पेशल प्रेपरेशन किया है आपने आज के एपिसोड के लिए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, स्पेशली टीम इंडिया के लिए. टीम पाकिस्तान से ऑलरेडी नबील जो है वो जीत चुके हैं, तो क्या स्पेशल प्रेपरेशन किया है आपने दिलजान जी? आयशा जी ऐसा जी दिलजान जी बताइए दिलजान जी. हाँ जी दिलजान जी 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 नहीं मैं मेहनती आ जाता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा. सर सर बताइए आपके सपने, आपके सपने के बारे में बताइए दिलजान जी. बस यही सपना है कि ये जो सपना मैं लेके आया हूँ अपने पंजाब से, ये सपना पूरा हो जाए. आइए देखते हैं आपके सपनों के बारे में. एवी प्लीज. मेरे दादाजी को संगीत का बड़ा शौक है और उनका ये सपना था कि हमारे परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो कि संगीत की बुलंदियों को छुए. पानी मुझे ये लगता है कि उनका सपना ये साकार होता जा रहा है. पंजाब की शान हो, हिंदुस्तान की शान हो, पाकिस्तान की शान हो, पूरे विश्व की शान हो. और अगर ये ट्रॉफी मैं जीत के ले गया, ये इस बात मैं ही फील कर सकता हूँ कि मेरे दादाजी को कितनी खुशी होगी उस बात की. जरूर जीत जाएगा, जरूर जीत जाएगा. दिलजान आपकी फैमिली के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आपके कैप्टन के लिए परफॉर्म करिए टीम इंडिया को लीड दिलाने के लिए. गुड लक पंजाब के लिए. जी बिल्कुल सर. पंजाब द पुत्र दिलजान पंजाब के लिए आज कमाल कर दो. बिल्कुल सर, पूरी कोशिश. गुड लक. इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा. अब अगर जी.
जहां भी कहेंगे मैं उतर जाऊंगा। अब अगर बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। सर दिलजान जी जी, अच्छा जी, मुझे तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। टीम इंडिया का फाइनल परफॉर्मेंस है जी। आप स्माइल कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है जी? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। आशा जी ने भी कहा कि आप और नबील के चांसेस सबसे ज्यादा हाई है वहां सरताज की कुर्सी पे जाने के लिए। क्या आपको लगता है इस बार भी फेस ऑफ में आप दोनों ही होंगे? दिलजान जी कैसा होना चाहिए नबील? नबील आपको सबसे पहले तो ये कोई मेरे लिए दिल की बात है कि सच में इस शो ने मेरे दिल के करीब इतना कर दिया इन सबको। और ये कोई हम जंग नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ सुरों का एक मुकाबला है और जो भी हो हम बस क्या बात है? दिल दिल से यही तो चाहता था मैं। बिल्कुल सर, यही तो मकसद था। बिल्कुल क्या बात। थैंक यू सर। ओके दिलजान, कैप्टन से जानते हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में। कैप्टन आतिफ, मुझे लगा कि वो पूरी शायद ये गजल है जी। है ना? हाँ, और इसमें कश्ती का लफ्ज भी आता है तो मुझे लगता लग रहा था कि तुम कश्ती लेके निकल गए हो। तुम कहते हो कि बस मैनू हूँ कोई तंग ना करे, बस मैं कला जा रहा तो मैनू जान दो। तो आई वुड से कि इट वाज एक्सेलेंट, आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस। एंड पता है यही जज्बा जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला है ना, यही जज्बा मैं यहाँ इस सेट पे हर इंसान में देखना चाहता हूँ। मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा था और आज मैंने वो तुम में देखा है। बस यही मैं चाहता था। क्या बात है, जीते रहो। आई रियली लव यू। फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिंदुस्तान की आन बान शान। और आज जो तुमने गाया पंजाब के लिए उसके नाम कमाल हो दिलजान तुम। माइंड ब्लोइंग, सुपर। रिस्पेक्टेड जूरी, 0 या 10? योर मार्क्स आर इन दिलजान, आपको आबिदा जी ने 0 मार्क्स दिए हैं, रूना जी और आशा जी ने 10 मार्क्स दिया है। हाउ डू फील अबाउट दैट? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे? मैं पहले भी ये बात कही थी कि उतनी हमारी उम्र नहीं है जितना इनका तजर्बा है और जी। जो इनको अच्छा लगता है बिल्कुल कबूल है जी। हिमेश जी, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, अबाउट द मार्किंग? हमें यही कहा गया है कि we have to respect the jury and it's absolutely fine with me. Diljan, aapne bahut acha gaya. Punjab da puttar, superb. Kya gaya hai yaar, bahut acha. Performance ke bare mein jante hain Diljan. Abida ji, ye to hamesha acha gaate hain magar jo astai ki har dafa jo astai ye aate the mudke wo bahut hi suron se hil rahi thi, bahut hi hil rahi thi. और मुझे ये फील हुआ है जिसके मैं मार्क्स नहीं दे सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत अच्छी तरीके से गाया है और कुछ हरकतें बहुत अच्छी ली हैं। और मेरी एक तमन्ना है, पता नहीं ये कब पूरी होगी या नहीं कभी, गजेंद्र जी अगर कभी ऐसा हो कि एक
नबील और दिलजान की एक जुगलबंदी हो, बहुत अच्छा हो। एक ही गाना दोनों गाएं एक साथ। थैंक यू, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच रूना जी। मैं क्या बार बार वही बात कहूँ, उसने वो दिलजान है, दिल लूट लिया है उसने और इतना खूबसूरत गाता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, सुपर डुपर हिट। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड जूरी। दिलजान टीम इंडिया के लिए फाइनल परफॉर्मेंस, 20 मार्क्स मिला आपको। गुड लक आपके नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। गुड लक दिलजान। थैंक यू दिलजान जी, गुड लक जी। थैंक यू आयशा जी। जी सर।